श्री रामचरितमानस को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि मैं सदन में मुख्यमंत्री योगी से पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं या नहीं। अखिलेश ने कहा कि मैं श्री राम और श्री रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मानस में जो लिखा है उसे नकारा नहीं जा सकता। बता दें, यूपी की राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के सदस्यों ने मानस की प्रतियों को जलाकर विरोध जताया, साथ ही सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन दिया। रामचरितमानस को लेकर विवाद अब गहराता जा रहा है। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस पर राजनीति तेज हो गई है। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के सदस्य एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में आ गए और रामचरितमानस की प्रतियों को जलाकर विरोध जताया। इस मामले में पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य समेत करीब 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। आपको बता दें कि लखनऊ के वृंदावन योजना में अम्बेडकर पार्क के गेट पर सभी लोग एकत्रित हुए थे। इस दौरान रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर बयानबाजी भी हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्ष की एकता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के समापन से एक दिन पहले रविवार को श्रीनगर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दलों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो RSS और BJP की विचारधारा के खिलाफ एकजुट हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या देश में विपक्षी एकता संकट में है, इस सवाल के जवाब में राहुल ने कहा कि विपक्षी एकता बातचीत और विजन के बाद आती है। ये कहना कि विपक्ष बटा हुआ है सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ये सच है कि विपक्ष में मतभेद हैं, लेकिन विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा, साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि ये वैचारिक लड़ाई है। पठान को मिल रही जबरदस्त कामयाबी के बीच एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण मुंबई के एक मल्टीप्लेक्स थिएटर में पहुंची थी। गेयटी गैलेक्सी में पहुंची एक्ट्रेस को इस दौरान पहचानना मुश्किल हो गया था। एक्ट्रेस थिएटर में पठान के लिए फैंस का रिएक्शन देखने पहुंचे थे, जहां से उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि दीपिका ने अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर किया हुआ है। पठान एक्ट्रेस कंप्लीट ब्लैक लुक में स्पॉट हुई। दीपिका के बॉडीगार्ड एक्ट्रेस को भीड़ से बचाते दिखे। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज हुई थी।